हो, अब वो हम सबको लेने के लिए भी आया है कि बच्चे अब हमें चलना है, कहाँ? अपने घर जाना है, क्योंकि ये खेल पूरा हो रहा, नाटक पूरा हो रहा। जब नाटक पूरा होता है तो हम जहां से आए हैं वहां जाना है, तो जाने के लिए तैयार हैं, तैयार हैं, रेडी। क्योंकि परमात्मा ने एक बार मुरली में भी कहा था, बच्चे राजी राजी चलोगे या बेराजी से चलोगे? मैं ले तो सबको जाऊंगा, चाहे रोते रोते जाओ या हंसना है। हंसते हंसते, क्यों हंसते हंसते जाएंगे तो खुशी भी होगी और बाप का प्यार भी मिलेगा। तो हम सब खुशी से जाने के लिए तैयार हैं, क्यों? बाबा कहते, बच्चे अब मैं लेने के लिए आ चुका हूं और मैं बिगर तुमको ले जाए इस सृष्टि से जाऊंगा नहीं। तो जैसे चलना चाहो ये तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि वो हमारा पिता है। और जब हमने उसको जान लिया, तो उसको मान लिया, पहचान लिया, तो चलने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। है पिता अगर ले जाएगा तो अच्छे घर में सुख शांति से ले जाएगा। अभी तक जो दीदी ने बताया कि हम शिव के ऊपर बेल पद धतूरे आदि सारी चीजें चढ़ाते रहे, लेकिन परमात्मा ने ये नहीं मांगा था। मांगा था कुछ और, दिया कुछ और। वो चाहता था कि जो तुम्हारे अंदर की बुराइयां हैं वो मुझे दे दो। बुराइयां तो नहीं दी, और क्या दे आए? बुरी चीज दे आए। जैसे शिव के ऊपर जो चीज चढ़ाते हैं वो स्वयं भी ग्रहण करते और दूसरों को भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कराते हैं, लेकिन आज जो उसके ऊपर बेल पद धतूरे खाद चढ़ाते हैं, तो क्या कभी खुद खाया या कभी किसी को खाने दिया? नहीं ना। में कहते हैं ये सब जहरीली चीजें हैं। तो आज हम सबके अंदर ये अवगुण रूपी जहर फैल चुका है, तो इस जहर को हमें किस पर चढ़ाना है? उस परमात्मा शिव के ऊपर। जब हम अंदर के कहते नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तो बड़े बड़े भूत हैं, और उसके छोटे कौन है? ये उनके वंशज हैं। तो उस परमात्मा के अंश और वंश के जो ऊपर हम इन बुराइयों को स्वाहा करेंगे, तभी हम उस परमात्मा के साथ खुशी खुशी घर जा सकेंगे, क्योंकि अब समय जाने का है। आज भी बाबा ने कहा था, अभी नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे।